नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर, जहाँ आपको आना है आश्वासन अकेडमी ग्रुप पर। जुड़िए मेरे साथ, जस्टिस क्लास के PDF और संबंधित और जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्या है टॉपिक? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, अरारिया की बात करें दोस्तों, तो इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं जो संस्थान, उनकी रैंकिंग आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करता है विद द हेल्प ऑफ AICTE की सहायता से, और इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की सहायता से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रैंकिंग जारी करता है। नाम है ARIIA रैंकिंग। आइए बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ARIIA यानी अटल रैंकिंग, अटल जी के नाम पर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट। जी हाँ, जो कॉलेज, जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं वो इस लिस्ट में टॉपर होती हैं, और जो इनोवेशन नहीं करती वो लिस्ट में नीचे होती है। दोस्तों, तो यहाँ पर कई कैटेगरीज होती हैं, कई कैटेगरी होती हैं दोस्तों, पहले सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर तो लगभग 1500 संस्थान, जिसमें IITs, NITs, ISC, IIMs आदि शामिल होते हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए दोस्तों इन द थर्ड एडिशन ऑफ एरिया रैंकिंग। अगर याद करें, लास्ट ईयर 6 संस्थान शामिल हुए थे, इस बार लगभग 15 संस्थान शामिल हुए। तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अपना नॉमिनेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार के एडिशन में नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को भी शामिल किया गया है, जो गैर तकनीकी संस्थान होते हैं उनमें इनोवेशन कैसा हो रहा है उसको भी शामिल किया गया दोस्तों यहाँ पर। और कई कैटेगरी देखते हैं हम लोग। पहली बात तो इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, किन मानकों पर रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, तो कई पैरामीटर ऐसे सामने आते हैं, जैसे कि दोस्तों कि वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज कितना प्रमोट कर रहा है अपने इनोवेशन स्टार्टअप को। क्या वहाँ कोई स्टार्टअप सेल है कॉलेज के अंदर, इनोवेशन सेल है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्थागत प्रयास है क्या नहीं। प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, उस कॉलेज में, उस कैंपस में कितना अच्छा फैसिलिटी है, कितना अच्छा अवसंरचना है स्टार्टअप को बढ़ने के लिए, लैब कितनी अच्छी है, प्रयोगशालाएँ कितनी अच्छी हैं, वो देखा जाता है। एकेडमिक कोर्स ऑफर्ड बाई इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन, जी हाँ, IPR पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन पर उस कॉलेज में कितने कोर्सेज हैं, कितने एकेडमिक कोर्सेज हैं वो चेक किया जाता है। कितने इनोवेशन, कितने स्टार्टअप पैदा हुए इस कॉम्पस के, उस कैंपस से कितने बच्चों ने एक नया एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित की, पेटेंट हासिल किए और स्टार्टअप स्थापित किए, वो देखा जाता है, आउटपुट कितना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, इकोसिस्टम इनेबलर, जी हाँ, प्राइवेट कंपनियां इनोवेशन बढ़ाना चाहती हैं, पार्टनरशिप कैसी कर रहा है कॉलेज, क्या कोई कॉलेज कम्युनिटी पार्टनरशिप हो रही है, क्या कॉलेज कॉर्पोरेट पार्टनरशिप हो रही है कोई, क्या कोई कॉलेज कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन हो रहा है, क्या CCC हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, क्या कोई कॉलेज कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन, जी हाँ, CCC हो रहा है कोई, ऐसा कुछ है तो ऑफकोर्स रैंकिंग ऊपर होगी। रिसर्च आउटपुट कैसा है, कितने पेपर छपते हैं, कितने IPR जनरेट होते हैं, कितने पेटेंट प्राप्त होते हैं, वो चेक करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना होता है, आपने जो रिसर्च की वो इंडस्ट्री तक पहुंच पाती है क्या नहीं, उसका वाणिज्यीकरण हो पाता है क्या नहीं। आप बना के बैठे हैं लैब में, वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाई, लैब टू लैंड का अंतर रह गया, तो लैब में तैयार हुई वो लैंड तक पहुंची क्या नहीं, लोगों के हाथ तक पहुंची क्या नहीं, वो देखते रहता दोस्तों, ये चेक करते हैं। तो कई पैरामीटर होते हैं इस रैंकिंग को तैयार कर। अगर बात करें आपके साथ, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके तहत एक डिपार्टमेंट आता है इसके अधीन, इनोवेशन सेल, नवाचार प्रकोष्ठ और AICTE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका इनोवेशन सेल और AICTE मिलके जारी करते हैं दोस्तों इस रैंक को, ठीक है। 2021 का नया रैंक आ गया है यहाँ पर। आइए काम की बात करें, बताया मैंने कौन कौन से इसके कैंपस पैरामीटर्स हैं, इस बता दिया दोस्तों मैंने आपको पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है, ठीक है। 2018 क्या था, 19 में रैंक आई थी दोस्तों, 496 संस्थान थे। फिर हम बात करें यहाँ पर इसका, 2020 में आए टोटल 674 संस्थान आए, और फिर तीसरा 21 में आया दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 1500 संस्थान इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। तो इस बार की कैटेगरीज क्या क्या हैं दोस्तों, ये तो यहाँ पर 5 मेजर कैटेगरी हैं, और कहा जाए तो उनके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैटेगरीज बांटी गई हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, टेक्निकल कैटेगरीज में ये नाम है सबके, इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से हैं, और आपकी नॉन टेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट, नॉन टेक्निकल प्राइवेट, ठीक है। तो 5 कैटेगरी टेक्निकल की हैं दोस्तों, और 2 कैटेगरी आपकी नॉन टेक्निकल की हैं। तो मुख्यतः ऐसे कहा जाए तो ऐसा अच्छा रहेगा कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल में 5 कैटेगरीज हैं और नॉन टेक्निकल में 2 कैटेगरीज हैं। टेक्निकल की 5 ही रही दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और नॉन टेक्निकल की भी 2 और होंगी यहाँ पर दोस्तों, ये नॉन टेक्निकल की 2 ही रही, ठीक है। मुश्किल काम बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें टेक्निकल की, बात करें तो वो कॉलेज जो सेंट्रल फंडेड हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, NITs हैं, उसमें टॉप पर कौन रहा, IIT मद्रास रहा,
रैंक वन पर दोस्तों। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, टेक्निकल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी PU सेकंड पर है, फर्स्ट पर है सर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टेक्निकल में दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें आपके साथ, अगला इंडेक्स देखें यहाँ पर तीसरी कैटेगरी दोस्तों, कॉलेज की बात करें, जो कॉलेज की बात करें टेक्निकल कॉलेजों की बात करें तो CE पुणे का जो है टॉप पर रहा महाराष्ट्र का सर, ठीक है। यूनिवर्सिटी की बात करें, जो सेल्फ यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है टेक्निकल, तो कलिंगा जो उड़ीसा की है सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है टॉप पे रही सर प्राइवेट में। वहीं अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो रायसानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र का ये टॉप पे रहा। तो पांच कैटेगरी टेक्निकल की, तो टेक्निकल पांच की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, पांच ये रही हैं दोस्तों। बाकी दो कैटेगरी और हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं मेरे संग यहाँ पर। नॉन टेक्निकल जो शामिल किया गया पहली बार इसमें, उसमें इग्नू टॉप पर है दोस्तों, ठीक है। इग्नू टॉप पर है नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट में, और नॉन टेक्निकल प्राइवेट की बात करें तो उसमें ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गुजरात का। टोटल सात कैटेगरी हो गई दोस्तों, सात कैटेगरी में, नौ लिखा था शायद स्टार्टिंग में, सात कैटेगरी हो गई यहाँ पर, पांच टेक्निकल की और दो नॉन टेक्निकल की। अब याद करना है कर लीजिएगा, UPSC तो नहीं पूछेगा, पैरामीटर पूछ सकता है ज़्यादा हुआ तो, कौन जारी करता है, कब से जारी हो रही है, इनके बारे में पूछ सकता है, नया क्या है पूछ सकता है, लेकिन कौन सा कॉलेज टॉप कर रहा है, क्योंकि ये शायद मुश्किल है इसका पूछना UPSC का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका नॉलेज है, AICT और इनोवेशन सेल्स को जारी करते हैं। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर दोस्तों, क्या हो पाएगी? तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर में जो कि आने वाला है दोस्तों 1 तारीख को। बस ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अनअकैडमी UPSC यूट्यूब चैनल पर। बाकी कॉम्पैक्ट है दोस्तों, 2 तारीख को मिस नहीं करना, 2 तारीख कॉम्पैक्ट है, सुबह 11 बजे आपको अटेंड जरूर कीजिए कॉम्पैक्ट, जहां पर स्कॉलरशिप जीतने का मौका रहेगा आपके पास। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, जहां पर हमारे लाइव मेंटोरिंग है, स्टडी प्लानर है, एज वेल एज हमारे एजुकेटर से आपको बात करने का मौका मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कार्यक्रम से। इसकी फीस है सर कितनी? फीस है इसकी लगभग दोस्तों 46,000 फॉर 15 मंथ। आइकॉनिक की फीस है सर यहाँ पर 67,000 फॉर 15 मंथ। जुड़िए दोस्तों हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक, हमारे यहाँ पर केवल ऑप्शन करना चाहें, फीस है रुक्स 24,000 लगभग पूरे 15-12 महीने के लिए दोस्तों। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, 20 टेस्ट सीरीज और अभियान टेस्ट सीरीज दोस्तों, जहाँ 15 MCQ पर डे 15 मिनट में आपको करने का मौका मिलता है। और नए बैच शुरू हो चुके हैं दोस्तों 29 दिसंबर से आपके साथ, ज्वाइन कीजिए। मुझे कैसा लगा लेक्चर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।